नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुरुंड जंजीरा किले की और जानेंगे कि कैसे अहमद शाही सल्तनत ने इस किले को बहादुर वीर कोलियों के कब्जे से छीना था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो जंजीरा का किला है, यह भारत का एक समुद्री दुर्ग है। यह चारों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र से। यह किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुंड में स्थित है। इस किले को अजिंक्य दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस किले पर सीधा हमला करके आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। फिर चाहे वह मुगल हो, मराठा हो, पुर्तगाली हो या फिर अंग्रेज ही क्यों ना हो, इस किले पर सीधा हमला करके कभी नहीं जीत पाए है। इतिहास में सिर्फ एक बार इस अवैध किले को भेदा गया था, और वह भी बल से नहीं, छल से भेदा गया था। तो जानना चाहोगे कैसे भेदा गया था, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बात 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी की है। उस समय जंजीरा एक समुद्री द्वीप हुआ करता था, एक टापू हुआ करता था। यहां पर किलाबंदी नहीं की गई थी। दोस्तों, उस समय यह जो जंजीरा द्वीप था, यह अहमद शाही सल्तनत के अधीन आता था। और इस द्वीप का जो नाम है जंजीरा, वह पड़ा है अरबी के शब्द जजीरा से, जिसका शाब्दिक अर्थ भी होता है एक द्वीप या फिर एक टापू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अहमद नगर की जो सल्तनत थी, उसके अधीन यहां से काम काज चलाया जाता था। परंतु इस द्वीप पर जो रहते थे, वह थे हमारे वीर जाबाज कोली, और उनके सरदार थे राजा रामराव पाटिल। कोली लोग अक्सर यहां पर जो समुद्री लुटेरे आते थे, उनसे परेशान रहा करते थे। तब उनके सरदार राजा रामराव पाटिल ने अपने लोगों की रक्षा के लिए अहमद शाही सल्तनत के शाह से यह मांग की कि हमें इस जो द्वीप है, इसके आप किलेबंदी करने दीजिए, क्योंकि यहां पर काफी लुटेरे आके हमें परेशान करते हैं, और यह आपके लिए भी एक अच्छा मजबूत किला बन जाएगा, तो आप हमें इसकी अनुमति दे दीजिए। तो उन्हें अनुमति दे दी जाती है, और फिर सरदार रामराव पाटिल अपने सीमित संसाधनों, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, घारा, जो भी उनको किले पे मिलता है, उससे ही वह एक मजबूत किले बंदी तैयार करते हैं। और इस किले का डिजाइन वह इतनी चतुराई से तैयार करते हैं कि इस किले को भेद पाना उस समय के हिसाब से लगभग असंभव था। अब राजा रामराव पाटिल ने सोचा कि अपने पास एक सुरक्षित किला तैयार हो गया है, यह एक बहुत अच्छा मौका है कि अहमद शाही सल्तनत से अपने आप को आजाद करवाया जाए। तो दोस्तों, वह शाह के आदेशों का पालन करना बंद कर देते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। अब जब शाह यह देखता है कि जंजीरा तो अपने हाथ से जा रहा है, अपने रियासत का एक हिस्सा स्वतंत्र हो गया है, यह देख कोलियों के विद्रोह को दबाने के लिए शाह भेजता है सबसे पहले मलिक अहमद को। परंतु मलिक अहमद इस विद्रोह को दबाने में मारा जाता है, और फिर इसके बाद भेजा जाता है पीरम खान को। अब ये पीरम खान बहुत ही शातिर सेना नायक था। पीरम खान क्या करता है ना, अपने जहाजों में बैठता है और सबसे पहले वह देखता है, चारों तरफ अच्छे से मुआयना करता है इस किले का, और जिससे उसको यह चीज समझ में आ जाती है कि इस किले को सीधे हमला करके भेद पाना लगभग लगभग असंभव है। तो फिर दोस्तों, वह एक योजना बनाता है, और वह योजना बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, आपको वह फिल्म ट्रॉय याद है हॉलीवुड की, जिसमें ट्रोजन हॉर्स यानी कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया जाता है, और उसके अंदर दुश्मनों के सैनिक छुप कर आते हैं, और जब वह दुश्मन सेना जो दूसरी सेना रहती है उसको ऐसे गिफ्ट के तौर पे वह घोड़ा देती है, और जब वह घोड़ा किले के अंदर चला जाता है, तब उसमें से निकलते हैं दुश्मन के सैनिक, और वह इस ट्रोजन हॉर्स से बाहर आकर वहां पे जितने भी दुश्मन रहते हैं उनका सफाया कर देते हैं। तो इस तरह से यह जीत उनको मिली थी। अब इसी तरकीब को पीरम खान यहां पर आजमाता है कुछ इसी तरह से। तो दोस्तों, वह सूरत के बंदरगाह पर जाता है
और अपने जहाजों पर शराब के पीपे यानी कि टंकियां रखवा लेता है, लकड़ी के बड़े बड़े बैरल्स रखवा लेता है। अब इनमें से कुछ में ही शराब रखी होती है तथा बहुत सारे इनमें से खाली होते हैं। फिर बिरम खान कोली सरदार राजा रामराव पाटिल से मिलता है और अपने आप को वह एक व्यापारी, शराब का व्यापारी बताता है और राजा रामराव से वह कुछ समय के लिए जंजीरा के फोर्ट में, किले में रुकने की मांग करता है, थोड़ी देर के लिए शेल्टर मांगता है तथा उपहार में वह बढ़िया सी शराब देने का प्रलोभन भी देता है, लालच भी देता है। रामराव जी बिरम खान की बातों में आकर उसे किले के अंदर आने की अनुमति दे देते हैं तथा उसके स्वागत में शाम को जश्न का भी ऐलान कर देते हैं। खूब खाना पीना होता है, खूब जश्न होता है और जब बिरम खान भर भर के कोली सैनिकों को शराब पिला देता है और वह शराब पीकर जब पूरी तरह से मदमस्त हो जाते हैं और सो जाते हैं, तब दोस्तों क्या होता है, अचानक से बिरम खान के सैनिक हमला कर देते हैं। अब यह सैनिक उन्हीं खाली पीपों में बैठकर आए थे और मौका मिलते ही वह हमलावर हो गए थे। राजा रामराव पाटिल भी इस किले पे अपने सभी कोलियों साथी समेत मार दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और दोस्तों इस तरह यह किला अहमद शाह के पास फिर से आ जाता है। बिरम खान के बाद इस किले पर बुरहान खान को नियुक्त किया जाता है और दोस्तों यह बुरहान खान ही थे जिन्होंने राजा रामराव पाटिल जी की डिजाइन को ध्यान में रखकर इस किले को ऐसा बनाया जिस तरह की यह आज हमें दिखता है। इसकी दीवारें बहुत ऊंची बनाई, जगह जगह पे परकोटे बनाए गए जहां पर तोपें रखी जाती थी। किले के अंदर पानी की व्यवस्था की भी काफी अच्छी उन्होंने ध्यान रखा और दो तालाब भी यहाँ पर बनवाए और कुएं भी बनवाए। सिद्धि अंबर और वह क्या करते हैं, वह इस जो क्षेत्र है, यह जो जंजीरा का जो क्षेत्र है, इसे एक अलग रियासत ही बना लेते हैं और यहाँ के वह पहले नवाब बन जाते हैं। दोस्तों जो सिद्धि लोग है, जो सिद्धि अंबर जिस एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, यह मूल रूप से इथियोपिया देश के निवासी है। इन्हें अब्सिनियन या फिर अपन हिंदी में हब्शी भी कहते हैं। बाद में यहाँ के जो नवाब बने वह थे मलिक अंबर और जंजीरा रियासत को इन्होंने और भी शक्तिशाली बनाया, निजाम को हराया, मुगलों को हराया, सबको हराया। बाद में यह क्षेत्र छत्रपति शाहू महाराज के समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस किले पे डायरेक्ट वह भेद के कब्जा नहीं कर पाते हैं, परंतु इसके जो क्षेत्र है, जो जमीन से जो लगा हुआ था, उस पे वह कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यह किला मराठों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है और दोस्तों जो कि बाद में अंग्रेजों के पास चला गया था, जब जो कि आखिरी एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था सन 1817-1818 में, उसमें जब मराठे हार जाते हैं तब यह किला चला जाता है अंग्रेजों के पास। और दोस्तों सन 1947 तक, भारत के आज़ाद होने तक, लोग यहां पर रहा करते थे आराम से और यह किला हमेशा भारत के इतिहास में याद किया जाता रहेगा कि सीधी चढ़ाई में इस किले को कभी भी भेदा नहीं जा सका। इसकी यही बात, समुद्र किला होने के साथ साथ इस किले की यही बात इस किले को बहुत ही खास बनाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।